हेलो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज फ्लाइट प्रो और आज आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर। आज हम अमृतसर से फ्लाई करने वाले हैं, गोल्डन टेंपल विजिट करेंगे, वो ऊपर से कैसा दिखता है। और मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन बता दूं कि हम रनवे 16 से फ्लाई करेंगे स्ट्रेट अवे डायरेक्टली। और ये देखिए, आज हम श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर से फ्लाई करेंगे और हम इस तरफ हैं, इस तरफ खड़े हुए हैं। हमारे पास जो जहाज़ है, जो एयरक्राफ्ट है, वो है सेस्ना 172। हम यहां से फ्लाई करते हुए स्ट्रेट अवे अमृतसर की तरफ जाएंगे। और अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ है श्री हरमिंदर साहब, दरबार साहिब, ये गोल्डन टेंपल की लोकेशन है। मैं आपको यहीं स्ट्रेट अवे लेके जाऊंगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं जल्दी से, ये थ्रॉटल कंट्रोल है, मैं पार्किंग ब्रेक रिलीज़ कर लूँ। ये पार्किंग ब्रेक रिलीज़ कर ली मैंने, अब मैं ये फुल थ्रॉटल देख के, फ्लाई करते हैं जल्दी से। ये लीजिए, हम एयरबॉर्न हो चुके हैं। बहुत अमेजिंग सिटी है और इस सिटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम गुरुद्वारे बस पहुंचने ही वाले हैं। कुछ कुछ गुरुद्वारा अब दिखने लगा है, गोल्डन टेंपल। और यहाँ जो गुरुद्वारे की जो नींव है वो 1577 में, 1577 में चौथे सिख गुरु रामदास जी ने 500 बीघा ज़मीन में ये नींव रखी थी। और जो कि अकबर ने गुरु रामदास जी की पत्नी को भूमि दी थी दान में। उसके बाद 1581 में गुरु अर्जन दास जी ने इसका निर्माण शुरू किया था। और हरमिंदर साहब जी के पहले चरण में, पहले फेज़ को पूरा करने में लगभग 8 साल का समय लगा था। ये मंदिर 1604 में पूरी तरह बन के तैयार हो गया था। लेकिन ये बहुत बार तोड़ा गया इन द पास्ट। उसके बाद फिर 17वीं शताब्दी में महाराज सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया जी ने इसको दोबारा से बनवाया। और यहाँ जो मंदिर की जो दीवारें हैं वो मार्बल से बनी हैं और मार्बल की दीवारों पर सोने की पत्तियों से नक्काशी की गई है, विच रियली लुक्स इनक्रेडिबल।
किसी भी कोने से आप गोल्डन टेंपल को अगर देखेंगे तो वो इतना खूबसूरत लगता है, स्पेशली रात को तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और बेस्ट टाइम टू विज़िट गोल्डन टेंपल इज़ रेनी सीजन्स एंड विंटर्स। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कभी गोल्डन टेंपल विज़िट करने के लिए या फ्यूचर में प्लान करना चाहते हैं, तो या तो रेनी सीज़न या फिर विंटर्स, ये दो ऐसे सीजन्स हैं जहां आप विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है अमृतसर में। और यहाँ इस गुरुद्वारे में रोज़ाना लगभग 40,000 लोगों का खाना या फिर लंगर निशुल्क और फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया जाता है और खिलाया जाता है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि महाराजा सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया ने दोबारा बनवाया था ये, उसके बाद फिर अफगान हमलावरों ने ये दोबारा से नष्ट कर दिया था। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने इसे दोबारा बनवाया था और इसे सोने की परत से सजाया था। और महाराजा रंजीत सिंह जी को शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, उनको शेरे पंजाब भी बोलते हैं। ये जो गोल्डन टेंपल है ये चारों तरफ से सरोवर से घिरा हुआ है, और इसके जो डिज़ाइनर थे और जिन्होंने इनको बनवाया था उनका नाम श्री गुरु अर्जुन देव जी, उन्होंने ही डिज़ाइन किया था और उन्होंने ही निर्माण शुरू किया था इसका। सो इट्स जस्ट फॉर दी नॉलेज आई एम टेलिंग यू। Thank you very much for watching this amazing journey to Golden Temple. If you really enjoyed this video, please like and please subscribe to my channel, and I would like to see you all in the next video. Later.